वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आउटपुट यूनिट के बारे में। यह टॉपिक रिलेटेड है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर से, इसलिए यहाँ पर आउटपुट यूनिट को एक समराइज फॉर्म में बताया जाएगा। ठीक है, तो जो आउटपुट यूनिट है यह कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करता है या कुछ टास्क को परफॉर्म करता है जिसके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, तो पहला टास्क क्या होता है आउटपुट यूनिट का? तो आउटपुट यूनिट क्या करता है, जो भी रिज़ल्ट मिलेगा किसी भी इंस्ट्रक्शंस को देने के बाद, कंप्यूटर के द्वारा, यानी कि सपोज़ 1+1 इंस्ट्रक्शन कोई दिया गया होगा तो इसका जो भी इसका रिज़ल्ट होगा वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होगा, वो प्रोड्यूस होगा कंप्यूटर के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो भी रिज़ल्ट आ रहा होगा उसे एक्सेप्ट करने का काम करेगा आउटपुट यूनिट। ठीक है, और ये रिज़ल्ट प्रोड्यूस होगा कंप्यूटर के द्वारा। ठीक है, तो ये जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस होगा 1+1 का, वो क्या हो सकता है, एक कोडेड फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, एक ऐसा कोडेड फॉर्म में हो सकता है। तो इस तरह का जो कोडेड फॉर्म है क्या उसको ह्यूमन समझ पाएंगे? तो इसका आंसर होगा नहीं। इस तरह की कोडेड फॉर्म को ह्यूमन नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए जो आउटपुट यूनिट रहेगा इस तरह के कोडेड फॉर्म को कन्वर्ट करेगा किस तरह के फॉर्मेट में, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में। ठीक है, अब जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट का मतलब यह होता है कि ऐसे नंबर्स या डिजिट्स या फिर अल्फ़ाबेट्स जिन्हें ह्यूमन रिकग्नाइज कर सकता है, पहचान सकता है। जैसे कि ह्यूमन के लिए हमने लिख दिया ए बी या फिर लिख दिया 1, 2, तो इसको क्या कर सकता है, ह्यूमन समझ सकता है। लेकिन यदि हमने लिख दिया 0, 0, 1, 0, 0 तो ह्यूमन को समझ सकता है क्या? नहीं। ठीक है, तो इसीलिए यदि हमने कोई इंस्ट्रक्शन दिया होगा 1+1 तो आउटपुट यूनिट उसे ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करेगा जिसे ह्यूमन समझ सकता है। ठीक है, ये तो दो टास्क हो गए। अब जो तीसरा टास्क होता है वो ये होता है कि आउटपुट यूनिट क्या करता है, किसे सप्लाई करता है? कन्वर्टेड रिज़ल्ट को। ठीक है, यानी कि 1+1 का जो भी कन्वर्टेड रिज़ल्ट आया होगा उसे क्या किया जाएगा, सप्लाई किया जाएगा आउटसाइड वर्ल्ड पे। तो आउटसाइड वर्ल्ड को कैसे पता चलेगा कि क्या रिज़ल्ट आया है? आउटपुट यूनिट के माध्यम से हो सकता है कि आपके मॉनिटर पर जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिया होगा, जो भी आपने प्रोग्राम बनाया होगा, उसका कन्वर्टेड रिज़ल्ट डिस्प्ले हो। ठीक है, तो ये तीन तरह के टास्क करता है आउटपुट यूनिट। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।